गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, काल ऑफ हिंदी ग्रामर। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि सभी कार्यों को करने का कुछ ना कुछ समय होता है, और इस समय ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे तो ये समय बीत चुका है ना, बीता हुआ समय। बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान समय, और बच्चे पढ़ेंगे ये है आने वाला समय। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कौन कितने टाइप के काल होते हैं? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भावना नृत्य सीख रही थी यानी कि पास्ट हो गया, सीख रही थी। मैं ताजमहल देखने गया था आ गया ना यहाँ पे, मैं देखने गया था। तो इन वाक्यों में सीख रही थी और गया था शब्दों को क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, यानी कि जो समय बीत चुका, तो ये भूतकाल के उदाहरण। ठीक है, अब आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं यानी कि प्रेजेंट। जैसे माँ खाना बना रही है, और जैसे मैं आपको ये पाठ समझा रही हूँ है ना, माली पौधों को सींच रहा है। तो यहाँ पे जहाँ रहा है, रही है, आते हैं, ये क्या होते हैं? वर्तमान काल होते हैं, जहाँ पे है आता है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में बना रही है, सींच रहा है शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मॉल घूमने जाएंगे, पिताजी दादाजी को पत्र लिखेंगे, तो इसमें जाएंगे और लिखेंगे, ये क्या है? ये शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने की जानकारी मिल रही है, और ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रीड करना और घर में सेफ रहना। ओके, बाय।